नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग घूमने के काफ़ी शौकीन होते हैं, तो आज का हमारा वीडियो खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के 5 ऐसी जगहों के बारे में जो घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है और पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। कोलकाता भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। कोलकाता में कई ऐसी प्रसिद्ध जगह है जिनके बारे में आपको यहाँ आने से पहले पता होना चाहिए। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में कई आकर्षक और पॉश इलाके हैं। यह शहर अपनी कला, महान संस्कृति और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह शहर अपनी शानदार मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों और कई अन्य आकर्षकों के लिए जाना जाता है, जहां आप शहर की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ के फेमस प्लेसेस के बारे में। नंबर 1 पे है हावड़ा ब्रिज। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज, जो हुगली नदी पर बना प्रसिद्ध कोलकाता का गेटवे जैसा है। इस पुल का निर्माण 1939 में शुरू हुआ। 1965 में रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविन्द्र सेतु कर दिया गया। प्रतिदिन लगभग 90,000 गाड़ियाँ और हजारों लोग इस पुल को पार करते हैं। रात के समय रोशनी पड़ने पर यह पुल काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहां आते हैं और यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 2 पे विक्टोरिया मेमोरियल। शहर के बीच में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया का स्मारक इमारत है। महारानी विक्टोरिया के सम्मान में यह स्मारक 1906 से 1921 के बीच बनाया गया था। तब से यह 25 दीर्घाओं वाला एक सुंदर संग्रहालय बन गया है, जिसमें बताया जाता है प्राचीन खजानों का एक अनूठा संग्रह है। रात में जब इस स्मारक पर रोशनी की जाती है तो यह आश्चर्यजनक नजर आता है। यह कोलकाता के प्रसिद्ध जगहों में से एक है। हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। नंबर 3 पे है भारतीय संग्रहालय। कोलकाता में स्थित यह 60 से अधिक दीर्घाओं वाला भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में रखी जाने वाली विलुप्त प्रमुख आकर्षक जैसे पशु, जीवाश्म और मिस्र की ममी है। प्रदर्शनी में आप दुनिया भर की कई तरह की कलाकृतियां भी देख सकते हैं। यह कलात्मक, जूलॉजिकल, मानव विज्ञान, भूवैज्ञानिक और औद्योगिक वस्तुओं का संग्रह है। प्रसिद्ध चित्रकारों की कलाकृतियाँ और पत्थरों के साथ प्राचीन सिक्के भी प्रदर्शित हैं। यह युवाओं के घूमने के लिए कोलकाता की प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ देखने के लिए बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हैं। नंबर 4 पे दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता की प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर देवी माँ काली को समर्पित है। मंदिर की स्थापत्य कृति काफ़ी लुभावनी है। देवी काली को समर्पित यह प्रमुख तीर्थ स्थल आकार में 25 एकड़ में फैला है, जो इस मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। लोग कोलकाता घूमने के लिए जब भी आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आते हैं। खासकर त्योहारों के दौरान इस आध्यात्मिक स्थल पर पवित्र जल से स्नान करने और माँ दुर्गा काली की पूजा करने जाते हैं। नंबर 5 पे है न्यू मार्केट। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो कोलकाता का न्यू मार्केट आपकी पसंदीदा जगह बन सकती है। यह शॉपिंग के लिए सबसे लोकप्रिय जगह है। 1874 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित मोल भाव में माहिर लोगों के लिए ऐतिहासिक जगह है। इस बाजार का मुख्य द्वार लिंडसे स्ट्रीट चौरंगी रोड पर स्थित है। यदि आप कुछ खास तलाश कर रहे हैं तो न्यू मार्केट को विजिट जरूर करें। यह यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपना राय कमेंट में लिखें। ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।